नमस्कार, सीएम इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं दिन भर की तमाम खास खबरों की ओर। भारत और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पशुओं की तस्करी रोकने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी है। केंद्र सरकार ने अदालत से बताया है कि इस मामले में संयुक्त सचिव और गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने गायों के लिए भी आधार कार्ड की तरह UID जारी करने की सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने घाटी में जारी हिंसा और पत्थरबाजी जैसी घटनाओं पर सोमवार को नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से चर्चा की। महबूबा ने इस बातचीत के बाद कहा कि पत्थरबाजी और गोलीबारी के बीच बातचीत संभव नहीं है। पुलवामा में पीडीपी नेता की आतंकी हमले में मौत। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के रोहमू गाँव में आतंकियों ने गोलीबारी कर अब्दुल गनी पर हमला किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि पिछले दो हफ्तों में दक्षिण कश्मीर में किसी पीडीपी नेता पर यह तीसरा हमला है। एमसीडी चुनाव में वोट डालने के बाद भी केजरीवाल ने एक ट्वीट करके ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिलने का आरोप लगाया। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने मुख्यमंत्री को ड्रामा क्वीन बताते हुए तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि खांसी का झूठ फैलाने और लोकतांत्रिक कार्यों और संस्थाओं को कोसने के बजाय अच्छा है कि ऐसे देशों में चुनाव लड़े जो आपके स्वार्थी हित के अनुरूप हो। सीएम योगी आदित्यनाथ पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। योगी ने इस मौके पर कैशलेस से संबंधित द्वापर युग की कहानी सुनाई। इस कहानी से वे लोगों को कैशलेस के प्रति जागरूक करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि कैसे कैशलेस की शुरुआत भगवान कृष्ण और सुदामा के समय में ही हो गई थी। कश्मीर हिंसा में पत्थरबाजी की शिकार लड़की ने कहा, अब नहीं करूंगी प्रदर्शन। बता दें कि श्रीनगर के लाल चौक पर 17 अप्रैल को पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया था। बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बीच एक बार फिर ट्विटर पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। सुशील मोदी ने रविवार को ट्विटर कर लिखा कि लालू यादव उनके रिश्तेदारों पर आरोप लगा रहे हैं ताकि मैं उनके घोटालों को उजागर ना कर सकूं। बाबा रामदेव की पतंजलि को आंवला जूस आर्मी कैंटीन में बैन। लैब टेस्ट में फेल होने पर उठाया कदम। बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद द्वारा निर्मित पतंजलि आंवला जूस की सुरक्षा बलों के लिए बिक्री पर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट ने रोक लगा दी है। बंगलुरु के कोयम्पु नगर इलाके में किराए के एक मकान में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। इस रैकेट का संचालन करने के आरोप में एक हेड कांस्टेबल सहित 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार पर चल रहे आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में अब प्रतिभा सिंह ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करते हुए पूरे कानूनी तौर तरीके नहीं अपनाए, ऐसे में कोर्ट को चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन सहित पासपोर्ट ऑफिस के 3 अधिकारियों को दोषी ठहराया। इस केस में सजा पर मंगलवार से सुनवाई होगी। 70 से अधिक मुकदमों में आरोपी छोटा राजन के खिलाफ ये पहला मामला होगा जिस पर कोई कोर्ट उसे सजा सुनाने जा रही है। अमृतसर में स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने राजासांसी के गांव ओठिया में शॉर्ट सर्किट से 300 एकड़ गेहूं की फसल जलने से पीड़ित किसानों को निराशा से बचाने के लिए अपनी जेब से 24 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुंबई में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनके सूबे का आदमी किसी पर निर्भर नहीं होता, किसी पर बोझ नहीं होता। बिहार के लोगों की वजह से दूसरों को नौकरियां भी मिलती हैं। उन्होंने कहा कि बिहार का आदमी अपने ज्ञान और क्षमता से अपनी पहचान बनाता है। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जो अपनी खास वजह से तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो कार्ड के जरिए बता रहे हैं कि पिछले दिनों उन्होंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसके रिपोर्ट में पता चला है कि वे कई धर्मों से मिलकर बने हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि वे 100% आर्टिस्ट हैं। सीरियल स्वाभिमान से टीवी डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस संगीता चौहान को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि एक्ट्रेस के पति चिराग शाह घर से गायब हो गए हैं। बता दें कि स्वाभिमान शो फेम एक्ट्रेस संगीता चौहान के पति चिराग शाह एक डायरेक्टर है और हाल ही में उन्होंने फिल्म देख इंडियन सर्कस का निर्देशन किया है। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए सीएम इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार।